पिशाबा सैयद और आप लोग देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। आज मेरे साथ है बिग बॉस के एक वन ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनु पंजाबी की, जो साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस पे बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स करना, क्योंकि इसने कहा है बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस वाला? आप बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ती है रिव्यू देने की वजह से। पहले सबसे पहले मैं सारे रिव्यूअर्स को कहूँगा, धन्य हो तुम लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, इतनी सारी बातें सुन और चेंज करते हो। पर मेरे साथ स्पेशली भी ट्रीटमेंट हो सकता है शायद, क्योंकि बहुत सारे रेवेलर्स को एक जगह मिल गई आके लड़ने की। सो पर मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि इन गालियों के बीच में थोड़ी सी मोहब्बत भी है, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। श्रीशांत के फैन नहीं है वो लोग, वो मंदिर बनवाएंगे, उनका भक्त है वो लोग, भक्त मतलब वो बस वेट कर रहे हैं कि श्री बाहर आए और उसका एक डिजिटल फोटो लें और उसका एक मंदिर बनवाए। ऐसा ऐसी फैन फॉलोइंग तो सबको मिलनी चाहिए भैया, टचवुड भाई तो ब्लेस्ड है। और सीरियसली मैं श्री से मिलकर आया हूँ, श्री जो है एकदम माचो 6'2" का लौंडा, जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त। कैसे लगा उनको? मुझे मतलब एक लड़की मेरे अंदर से निकल के आई और श्री को देख करके मुझे ऐसा लगा टॉल डार्क हैंडसम बंदा अपने साथ, वैसी फीलिंग। प्रीतम बहुत स्वीट है, दो कंटेंट सीकर एक साथ मिल गए थे, दोनों के दोनों फुटेज खाने वाले, तो बहुत मजा आया हम दोनों को। एंड प्रीतम को मैं आइडियली पसंद भी बहुत करता था उसके सीजन में, बिकॉज ही वॉज द गाय लाइक जो घर के अंदर एक फ्लेवर और कॉमेडी मस्ती बरकरार करके रखता था, और उसका वो एक फेमस एक्टर की आवाज निकाल के कॉपी मारना, वो सब बहुत मजा आता था मुझे। तो प्रीतम इज अ वेरी ग्रेट गाय। हमने सुना है कि आपने एक टास्क एक्चुअली इन लोगों ने एक लास्ट काल कोठरी की प्रक्रिया की है अपने साथ में, और जब जब भी ये कलर्स वाले बुलाते हैं तब तक हमारे ऊपर बहुत गंदी गंदी कर देती है बाबा, दुनिया गले पड़ जाती है, पूरी मीडिया मतलब मीडिया तो फिर भी बेचारी रेफर कर देती है जो उन्होंने देखा, कैसे प्रोमो काटते हैं ये लोग, मतलब बंदा जी नहीं सकता दुनिया में इस तरह की हरकतें करते हैं ये लोग। बट एनीवेज फिर भी मेरे साथ ठीक हुआ है, अहम टास्क था और बहुत मजा आने वाला लोगों को देखे। कुछ बता सकते हो कौन गया? काल कोठरी के अंदर मैंने मतलब घर वालों ने आपस में डिस्कस करके दीपक ठाकुर को अंदर डाला, और देन फिर उन लोगों ने सुरभि राणा को अंदर डाला, और डबल फेस यानी दोगले के लिए करणवीर वोरा को अंदर डाला। शक्ल के बारे में तो नहीं बात करूंगा, क्योंकि मुझे दिखने में कुछ अलग लगी वो टीवी से। चिट्ठा खोलता हूँ, ठीक है। करणवीर वोरा ही इज अ राजस्थानी गाय, आई ऑल्सो बिलोंग टू राजस्थान, मेरे बड़े भी अपना सामान लेके राजस्थान आए थे कुछ करने के लिए, तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्वीट है, और उसकी जूनियरिटी नहीं है बहुत, मतलब एक्चुअली करण कुछ और है, लेकिन शायद अंदर जाकर के उसको लगा होगा उम्र में इनसे बड़ा हूँ तो वो रिस्पॉन्सिबल बन के थोड़ा सा बदल गया। जो चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी मैं उसको अंदर बोल के भी आया हूँ कि यू शुड बी यू लाइक, क्योंकि दुनिया रियलिटी शो में आपको रियली देखना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी गलती हो गई। श्रीशांत तो यार बहुत ही सुंदर आदमी है, मतलब ही इज अ माचो मैन, जबरदस्त, मैंने उसकी छाती में दो मुक्के मारे और मैंने कहा भाई तू जबरदस्त लग रहा है, इज अ ग्रेट गाय, और अगर वो अंदर फिट नहीं हो पा रहा तो एक्चुअली वो नहीं हो भी सकता है, वो थोड़ा अलग इंसान है यार। मैं उससे मिला, हमने बात की, इवन जितना मुझे नहीं लगा था वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानता होगा, पर हमने जैसे बात की तो ही नोइंग मी वेरी वेल, और देखो वो भी बिग बॉस देखता था, बहुत बड़ी सनसेट, तो ही इज अ ग्रेट अकॉर्डिंग टू दीपिका कक्कड़। स्क्रीन प्रेजेंस के हिसाब से मुझे आज तक ऐसा लगता है रिव्यूज देकर के कि मुझे ऐसा लगता है शायद वो खुलकर पूरी तरह से सामने नहीं आई, जो वो है वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी स्टिल, बट मैं उनसे मिला तो शी इज अ सिंपल एंड स्वीट एंड मैच्योर लेडी, उसको सब पता है शायद कि किस तरह से लोगों से डील करनी है, शी इज अ मैच्योर वन, जो टीवीज करते हैं फिक्शंस करते हैं ये लोग तो हजार साल मतलब हजार दिन के लिए भी अंदर रहे ना तो वैसे के वैसे रहेंगे, ये अपने रियलिटीज को शायद पूरी तरह बाहर नहीं एक नहीं कह रहा हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ जोनर 60-70% पब्लिक को दिमाग में रख के खेलने का है उनका, और कॉमनर्स का जो नहीं है। रोमिल बॉस अभी जब मैं मिला तो ही वाज लाइक लिटिल बिट ढीला, बट मैंने बहुत पंप किया है उसको, बहुत उसको समझाया है कि भाई किस तरह से लड़ झगड़, बाकी के 9 दिन है कुछ करके दिखा, बिकॉज ही वाज अ सीजन मास्टरमाइंड, तो उसको थोड़ा इतना डल नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं बाप के हाथ से बच्चे बड़े हो गए, दूर दूर हो गए, अलग चले गए, सारी उसकी एक्टिंग क्लब की फैमिली चली गई, तो वो थोड़ा सा उसको ऐसा तकलीफ है। दीपक इज हैविंग 100% एनर्जी, 100 दिन और रह सकता है उस घर के अंदर, छोटा हो गया वो थोड़ा सा कमजोर होकर, उसे खाना भी मिलता है ना अंदर, बट बाकी दीपक की एनर्जी बहुत अच्छी है और टास्क मास्टर तो भाई।
सुरभि की अगर मैंने जब उसको सामने से देखा तो सुरभि बहुत सुंदर लग रही थी, लिटरली आपको कह रहा हूँ, स्क्रीन प्रेजेंस उसका थोड़ा अलग दिखता है, उसका ऑरा अलग है, बट सामने से शी इज़ इंडियन लेडी और उसका लुक बहुत अच्छे थे और बात वो जिस तरह से करती है उसके अंदर दो तीन मतलब एक्चुअली करेक्टर्स हैं और लिटरली वो दो तीन करेक्टर्स दिखे, मुझसे तीसरा मिला था उसके, मतलब एकदम सिंपल स्वीट, हाथ मिलाया, बहुत अच्छे से बात की, मेरे हाथ छूटे हैं, मैं आपका आपसे हाथ नहीं मिला सकती अभी मैं, तो शी वॉज दैट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन गर्ल, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए देखना अलग था, बट हम कुछ देर के लिए किसी के सामने चेंज हो भी सकते। सोमी उस घर के अंदर सिर्फ नहा धो के तैयार रहती है क्योंकि उसके पास शायद काम कम होता होगा, एकदम साफ सुथरी धुली हुई सी, मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा तुम इतनी तैयार क्यों, बाकी सब लोग तो ऐसा लग रहा है गेम शो में, तो सोमी ने मुझसे कहा मैं तैयार हो चुकी हूँ, और सोमी को ये भी पता है घर के अंदर 150 कैमरा है क्योंकि सोमी ने चक्कर काटा है कैमराज के आसपास, उसने गिने भी है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है ना भाई, वो घर में क्या कर रही है, उसका टाइम उसने घर देखा और 150 कैमरे देखे, तो सोमी खाने के लिए मेरा एक मेरे तीन, मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद है लोग श्री, केवी एंड रोमे, मुझे तीनों लोग पसंद है, बट दीपक को मैं घुसाने की कोशिश करता हूँ बार बार इसके अंदर, पर वो ऐसे एकदम स्प्रिंग की तरफ पीछे बाहर निकल जाता है, बट ये तीन मुझे पसंद है। कौन जीत सकता है इन तीनों में से, जीतने का चांसेस श्री का बहुत ज़्यादा है, बाकी तो गिन दो। अच्छा, मुझे जाना है, मुझे आगे के लिए और 5 मिनट बिग बॉस 12 में अभी हम सोमी को नहीं देख रहे हैं कि सोमी होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता सोमी के बाद में, बट कहीं ना कहीं ना पता है मुझे कल क्रिएटर्स के मतलब ये वाली बात कैसी कहती है, ये तो मुझे कह नहीं, मतलब मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है सुरभि शायद एक फ्लोर पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। बट आई डिड मारना आज लास्ट में अपने फैंस को